रामायण में रामचरितमानस में तीन वीर बाली अथवा लक्ष्मण जी दोनों वीर, हनुमान जी महावीर, राम जी रघुवीर। हनुमान जी जब लौट कर वापस आए थे तो राम जी ने पूछा था, अरे आप लंका गए? हाँ, हमने सुना आप समुद्र पार हो गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते, प्रभु हम पार नहीं भय, पार तो आपकी कृपा से हो गए। राम जी बोले, ऐसा मत कहो, समुद्र पर छलांग तो आपने लगाई, उड़कर तो आप गए। हनुमान जी बोले, महाराज ये भी गलत बात है, पार होते हुए जरूर हम दिखे लेकिन कराने वाला कोई और था। राम जी बोले, कौन? बोले, राम नाम अंकित अति सुंदर, जो आपने मुद्रका दी उसी को विमान बनाकर हम समुद्र पार भए हैं। राम जी बोले, ठीक है हमने मान लिया, आप मुद्रका पर बैठकर लंका गए, समुद्र पार भए, लेकिन भाई लंका तो आपने जलाई। हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले, किसने जलाई? हनुमान जी बोले, महाराज आप कह रहे कि लंका हमने जलाई, जलाने का दोष तो उसको जाना चाहिए जिसने त्रिजटा को सपना दिया। राम जी बोले, आपकी नजर में किसने दिया होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आपके अलावा कौन दे सकता है, आपने ही दिया होगा। राम जी बोले, हम क्यों देंगे? हनुमान जी बोले, हमारी मति कह रही है कि आप शायद हमें बता नहीं पाए कि लंका जलाना है, तो हम तो सुन नहीं पाए, न आप हमें बता पाए, हमारा टेलीफोन लगाया होगा तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आया हो, तो हमें लगा कि हमारी कॉल लग नहीं पाई, त्रिजटा की कॉल लग गई, तो आपने उसे सपना दे करके कह दिया कि हनुमान जी रावण को बताते भी आना कि हम किसके दूत हैं, लंका जला करके ही आना। बोले, एक तो आप दोषी हो। बोले, दूसरा कारण क्या है? हनुमान जी बोले, दूसरा भी है। क्या? बोले, हमने अकेले ने लंका नहीं जलाई, पांच लोगों ने जलाई। नाम बताओ। हनुमान जी बोले, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा के बोले, और तो सब ठीक है, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप कौन है? बोले, जब लंका में हमने आग लगाई उसी समय 49 प्रकार की पवने चली, तो हमने तो एक ही मकान में आग ही लगाई, हमारे पिताजी ने तो घर घर कोरियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।